संजू के ढाबे में आपका स्वागत है। इसी वक्त सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे साथ जुड़े, साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाकर हर पल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। फ्रेंड्स, मैं रितु खन्ना संजू के ढाबे में फिर से आपका एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी घिया के कोफ्ते विद पालक ग्रेवी। बहुत पौष्टिक होते हैं पालक भी और घिया भी, बच्चों के लिए और परिवार के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चलिए बनाते हैं। घिया कोफ्ता विथ पालक ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए पालक, उबला हुआ, कसी हुई कद्दूकस की हुई घिया, टमाटर की प्यूरी, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सा बेसन, तलने के लिए घी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, गरम मसाला, जीरा, हींग, गार्निश के लिए क्रीम और हरा धनिया। सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है, उसे गर्म करने रख दिया है। तब तक हम कोफ्ते की तैयारी करते हैं। ये मैंने घिया ले ली, इसमें बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा नमक, थोड़ी सी हल्दी। हरी मिर्च हमने डाली है इसलिए लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी डालेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला हमने ड्राई रोस्ट करके ये बेसन रखा हुआ है, ये बेसन डालेंगे। थोड़ा हाथ हमने धो लिए हैं, हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये घिया का पानी मैंने निचोड़ा नहीं था इसलिए हम पानी नहीं डालेंगे, उसी पानी में ये बेसन लिपट जाएगा। इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। ये कोफ्ते हमारे सारे बन गए हैं, घी हमारा गरम हो गया है, अब हम इसे फ्राई करते हैं। देखिए हमारे कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, अब हम इसे निकालते हैं। कढ़ाई हमारी गरम है, इसमें से एक्स्ट्रा घी, हमने कोफ्ते हमारे तल गए हैं, एक्स्ट्रा घी हमने बाहर निकाल दिया है। थोड़ा सा वही घी रिफाइंड मैंने छोड़ दिया है, इसमें मैं अब थोड़ी सी हींग डालूंगी, चुटकी, एक चुटकी हींग, थोड़ा सा जीरा, और अगर आप लहसुन खाते हैं तो इस समय आप इसमें लहसुन डाल देंगे, जो मैं नहीं डाल रही। अब मैं प्याज डालूंगी इसमें। ये प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। टमाटर के साथ ही मैंने अदरक, हरी मिर्च और नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया एक साथ करके पीस लिया है, अब मैं इसे डाल दूंगी। जब तक ये किनारे से घी ना छोड़ने लगे तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। देखिए मसाला हमारा करीब करीब भून गया है, अब मैं इसमें एक छोटा चम्मच भर के बेसन डालूंगी और ये पालक की प्यूरी इसमें डाल देंगे। हम इस पालक को भी 5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमारा पालक भुन गया है, इसने घी छोड़ना शुरू कर लिया है। अब मैं इसको 2 हिस्सों में कर लूंगी। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, वही कोफ्ते वाला पानी है बचा हुआ। देखिए हमारी ग्रेवी तैयार है, पक गई है। अब मैं इसमें थोड़ा दूध डालूंगी। और मैं इसमें पनीर डाल दूंगी, इसे ढक दूंगी और थोड़ी देर पकने दूंगी। और इसमें मैं कोफ्ते डालूंगी। देखिए 5-7 मिनट हो गए हैं, अब हमने इनका ढक्कन खोल दिया, ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें हरा धनिया डालूंगी, इनमें भी मैं हरा धनिया डालूंगी। हरे धनिया से बहुत अच्छी महक आ जाती है। अब मैं अब इसे सर्व करूंगी। ये बन के तैयार है हमारे पालक कोफ्ते और पालक पनीर। अब हम इसे थोड़ा क्रीम से गार्निश करेंगे।
क्रीम नहीं हो तो आप घर की मलाई को भी फेंट के यूज कर सकते हैं, मैं भी वही कर रही हूँ। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स भी करिएगा, और आपने अब तक ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलती हूँ, फिर मिलूंगी अगली बार एक नई रेसिपी के साथ।